आर्यन खान को शाहरुख ने ड्रग्स लेने से मना किया था। अरबाज मर्चेंट ने किया है बड़ा खुलासा। मुंबई क्रूज केस में आर्यन खान को नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो से क्लीन चिट मिल गई है। इस केस से जुड़े एक्टर अरबाज मर्चेंट आर्यन खान के दोस्त हैं। उनका कहना है कि आर्यन खान ने उनसे कहा था कि क्रूज पर ड्रग ना ले, क्योंकि एनसीबी यहां एक्टिव है। आर्यन खान ने उन्हें बताया था कि उनके माता पिता ने उन्हें किसी भी अवैध गतिविधियों, विशेष रूप से ड्रग्स के सेवन से दूर रहने को कहा है। हालांकि इस चेतावनी के बावजूद अरबाज जूतों में छुपाकर थोड़ा सा गांजा लेकर आए थे। इतना ही नहीं, अरबाज ने गिरफ्तारी के 3 दिन बाद 6 अक्टूबर को एनसीबी अध्यक्ष वीवी सिंह को दिए गए बयान में कहा था कि उनके पास से बरामद ड्रग्स एक ऐसे व्यक्ति से खरीदा गया जो संभवतः खार सांता क्रूज इलाके का रहने वाला है। उन्होंने व्यक्ति के बारे में बताते हुए कहा था कि वो ज्यादातर मरीजुआना और हैश का कारोबार करता है। उन्होंने कहा 4,000 रुपये प्रति 5 ग्राम की दर से 2 से 3 बार हैश खरीदा था और इसका कैश में पेमेंट किया गया था। अरबाज ने ड्रग डीलरों के कुछ और भी संपर्क दिए हैं जिनसे बड़ा खुलासा हुआ है। एक डीलर से उनकी मुलाकात एक फुटबॉल मैच में हुई थी। अरबाज ने कहा कि कभी कभी हैश की क्वालिटी बेहद खराब होती है। इतना ही नहीं, हम आपको बताना चाहते हैं, अरबाज ने कहा था कि आर्यन और वो करीबी दोस्त हैं और उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि आर्यन को इस बात की जानकारी थी कि वो अरबाज कभी कभार हैश कंज्यूमर था और इसलिए आर्यन ने उसे क्रूज पर हैश ना ले जाने के लिए कहा था। अरबाज ने कबूल किया कि शराब के कभी कभी उसका सिर बहुत भारी हो जाता है और स्मोकिंग हैश उन्हें शांत कर देता है, इसलिए उन्होंने हैश को अपने जूतों में छुपा लिया था। वैसे अगले दिन दर्ज किए गए एक अन्य बयान में अरबाज ने बताया कि आर्यन खान ने उन्हें बताया था कि उनके माता पिता ने उन्हें किसी भी अवैध गतिविधियों से दूर रहने के लिए कहा था, खास करके ड्रग्स का सेवन करने के लिए बिल्कुल मना किया था। लेकिन बावजूद इसके इस तरह की चीजें सामने आई थी और अब फाइनली आर्यन खान को ड्रग्स केस में क्लीन चिट मिल चुकी है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये आर्यन खान के लिए बहुत बड़ी राहत भरी खबर है। 27 दिन तक आर्यन खान को जेल में रहना पड़ा था। उन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। उन पर ड्रग डीलिंग और ड्रग्स का सेवन करने का आरोप था, पर अब फाइनली आर्यन खान को बड़ी राहत मिल गई है। और इसी बीच अरबाज ने कई बड़े खुलासे किए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही।